अरे मोदी जी, आपका वाटर पंप भी बिल्कुल खराब हो गया है। सुबह से शाम होने को जा रही है, अब आपके वाटर पंप ने पानी देना शुरू किया है। योगी जी, पानी देने तो लगा मेरा वाटर पंप, थोड़ी सी कमी थी मेरे इस वाटर पंप में, वो मैंने ठीक कर दी, अब पानी देने लगा। बताओ किसके खेत में पानी शुरू करूं, कौन पहले सिंचाई करवाएगा बताओ। और मैं अभी से बता देता हूं, मैं इस वाटर पंप से खेत में सिंचाई करने के 50 रुपए घंटा लूंगा। तो चलो मेरे खेत में पहले सिंचाई चालू कर दो, सुबह से बैठा पड़ा हूं मैं। मोदी जी, इस पानी को मेरे खेत की तरफ मोड़ दो। और हाँ, आप अपने वाटर पंप के इंजन का एक्सीलेटर बहुत कम कर देते हैं, जिससे कि ये पानी कम देता है। एक्सीलेटर थोड़ा सा बढ़ाकर रखना। अरे राहुल, इस इंजन का एक्सीलेटर तो बात को पड़ेगा, इस वाटर पंप का पानी मेरे खेत में पहले जाएगा, इतना समझ लो। सुबह से मैं भी तो इंतजार कर रहा हूँ। देखो योगी जी, राहुल तुम सुबह से ही बैठे पड़े हो मेरे इस वाटर पंप के पास में, अब पानी देना शुरू करा है मेरे वाटर पंप ने, तो किसके खेत में पहले सिंचाई मैं करूँ, इसका फैसला एक ही तरीके से हो सकता है। ऐसा करो योगी जी, जेब से सिक्का निकालो और उछालो, हैंड या टेल करके देख लो, जो जीत जाए उसके खेत में पहले सिंचाई शुरू हो जाएगी। मोदी जी, हैंड या टेल तो तब किया जाता है जब दो लोगों सिंचाई करवाने वाले। सिंचाई के लिए तो हम भी सुबह से बैठे पड़े हैं यहाँ पर आपके वाटर पंप के पास में, आप हमारी तरफ देख ही नहीं रहे हो। अरे अखिलेश, तुम भी तो हाँ सुबह से बैठे पड़े हो। देखो, इस गांव में एक ही वाटर पंप है और वो मेरा है। अब मैं एकदम तो सबके खेतों में सिंचाई कर नहीं सकता, एक ही एक करके तो सिंचाई करूंगा। अरे मोदी जी, एक ही एक करके चलो सिंचाई करोगे, लेकिन पहले किसकी सिंचाई करोगे खेत की, ये बताओ मुझे। सुबह से तो हम भी बैठे पड़े, हमारी तरफ भी ध्यान दो। राहुल और मैं सुबह ही आ गए थे। बड़ी जान आपद में केजरीवाल, हाँ तुम भी तो सुबह से बैठे पड़े हो, और इत्तेफाक से तुम चारों लोग एक ही साथ आए थे यहाँ पर मेरे वाटर पंप के पास में। देखो, आपस में झगड़े की कोई बात नहीं है, जिसका खेत पहले है उसकी पहले सिंचाई कर देता हूँ, और जिसका खेत थोड़ा दूर है उसकी बात को सिंचाई करता हूँ, ये ठीक रहेगा। इस फैसले में किसी का भी कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। चलो मोदी जी, इस वाटर पंप के सबसे पास में खेत मेरा है, मेरे खेत की पहले सिंचाई चालू करो। चलो ठीक है राहुल, मैं तुम्हारे खेत में सिंचाई शुरू कर रहा हूँ, जाके मेरे इंजन के लिए 5 लीटर पेट्रोल पंप से डीजल लेके आओ। मेरे इंजन में डीजल खत्म होने वाला है, फिर तुम्हारी सिंचाई नहीं हो पाएगी, जल्दी लेके आओ। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी फ्राई करो। आज मैंने नए लोगों को दावत पर बुलाया है, पुष्कर सिंह धामी को दावत पर बुलाया है, बाबा रामदेव जी को भी दावत पर बुलाया है, जल्दी जल्दी इस केले को फ्राई करो। अरे मोदी जी, आग तो तेजी से जलाओ, इस कढ़ाई के नीचे तेल सही तरीके से खोल नहीं पा रहा है, तेल सही तरीके से खोलेगा तभी तो केला फ्राई होगा। मोदी जी एक बात बताओ, मेरी दावत पर आपने ये केला फ्राई करने की कैसे सोची, मैं तो तली हुई चीजें बिल्कुल नहीं खाता हूँ। तुम तो मुझे दावत पर किसी भी फल का जूस दे देते, मैं ये तला हुआ केला बिल्कुल नहीं खाऊंगा। अब बाबा रामदेव जी, मैं किस किस की बात को मानूं, पुष्कर सिंह धामी जी कह रहे हैं कि मैं केला फ्राई खाऊंगा, देखो वो खुद भी केला फ्राई करवा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मैं जूस पीऊंगा, और योगी जी का कहना था कि पूड़ी और सब्जी बना लो, अब मैं किस किस की डिमांड को पूरा करूं ये बताओ। बाबा रामदेव जी, आप ऐसा करिए, केला फ्राई बढ़िया तरीके से फ्राई कर दूंगा, इसको खा लेना, मैंने कई बार केला फ्राई करके मेहमानों को खिलाया, लोग उंगली चाटते रह गए। देख रहे हो मैं तुम्हारे लिए कितने केले लेकर आया हूँ, और एक से एक बढ़िया केला है। तो मोदी जी एक काम कर ले रहे हैं कि बाबा रामदेव जी के लिए जूस मंगा दो, अपना सब लोग केला फ्राई खा लेंगे, इन्हें जूस पिला देंगे। राहुल तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो, अगर जूस हो तो सबके लिए हो, और केला फ्राई हो तो सबके लिए हो। मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करूंगा कि मैं एक मेहमान को जूस पिलाऊं और दूसरे को जूस ना पिलाऊं। अरे बाबा रामदेव जी, मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनके हाथ का केला फ्राई बहुत ही बढ़िया होता है, जब ऊपर से केला फ्राई करने के बाद ये चटपटा नमक डालते हैं, मजा आ जाता है, आप एक बार खाकर तो देखना। मैं तो इनके हाथ का बना हुआ केला फ्राई कई बार खा चुका हूँ। तो बाबा रामदेव जी, खानोगे इस केला फ्राई को, खाओ तो बताओ, नहीं खाओ तो बताओ। देखो मोदी जी, मैंने आपको बताया, लेकिन आप मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हो, फ्राई चीजें तली हुई चीजों को खाते ही गैस बनने लगती है, मुझे जूस कितना भी पिला दो, जूस पी लूंगा मैं, केला फ्राई नहीं खाऊंगा, साफ साफ कह देता हूँ। अरे मोदी जी, आप भी बाबा रामदेव जी से बेफालतू की जिद कर रहे हैं, इनके लिए जूस मंगा दो जब इन्हें जूस पसंद है, और मुझे तो केला फ्राई खाना है, केला फ्राई खाऊंगा जब मैं यहाँ आया हूँ। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी, राहुल आपके हिसाब में क्या लफड़ा है, आपस में प्यार से सुलझा लो, झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। अब तुम लोगों ने यहाँ पर पंचायत बुलाई है, बताओ पूरी बात, बताओ क्या बात है। मोदी जी आप बताओ पहले। लालू जी, ये तो आपको मालूम ही है कि मेरी एक किराने की दुकान है, और अक्सर मेरे किराना स्टोर से लोग उधार सामान खरीदते हैं,
लानू जी आप भी खरीदते, आपका भी खाता मेरे पास चल रहा है। अजी ये राहुल भी सामान खरीदता था उधार मुझसे, लेकिन जब पैसे देने का नंबर आया तो मैंने कहा भाई पैसे दो। राहुल ने पूछा कितने पैसे हो गए, मैंने बताया 4,000 रुपए हो गए। तुमने 4,000 रुपए का उधार ले लिया मुझसे सामान, लेकिन अब ये राहुल कह रहा है नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने तो सिर्फ 2,000 का सामान लिया है। अब आप ही बताओ 2,000 और 4,000 में तो आधा आधा अंतर है, इतना कैसे अंतर हो सकता है? अरे मोदी जी अंतर कैसे हो सकता है, या तो जो मैंने सामान खरीदा है आपसे उसके आपने दाम ज्यादा लगाए हैं, या फिर कोई मैंने सामान खरीदा ही नहीं है, आपने अपनी कॉपी में लिख लिया है। राहुल ये बताओ अगर कोई सामान तुम जब खरीदोगे ही नहीं तो मैं बेफालतू में कॉपी में लिख लूंगा, लेकिन अब ये 2,000 का अंतर है, अब इस अंतर को कैसे खत्म किया जाए? मैं तो अपनी दुकान का खाता साथ में लाया हूँ, सब लोगों को कॉपी दिखा देता हूँ कि मैंने 4,000 का सामान तुम्हें दिया है। अरे मोदी जी जो सामान मैं आपकी दुकान से लेके जाता हूँ मैं अपनी कॉपी में भी लिखता हूँ, ये देखो मेरे पास भी तो कॉपी है, मैं भी सब लोगों को दिखाता हूँ। अरे तुम लोग तो आपस में ही बात करे जा रहे हो, हमें फिर किस लिए बुलाया है? ऐसे नोकझोंक करने से कोई फायदा थोड़ी है, हिसाब को समझना पड़ेगा तभी तो निपटेगा हिसाब। दिखाओ जरा अपनी अपनी कॉपी दोनों लोग। अरे मोदी जी आपकी कॉपी में ये 2,000 जमा कौन से रुपए है? इसमें लिखा हुआ है कि 2,000 रुपए राहुल ने दिए। हाँ सिर्फ 2,000 रुपए पे तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। राहुल एक बार तुमने मुझे 2,000 रुपए जमा किए थे, वो मैंने माइनस नहीं किए रुपए, इसीलिए 4,000 रुपए आ रहे थे। तुम्हारा हिसाब ठीक है, 2,000 की ही बकाया है। मोदी जी मैं कह नहीं रहा था कि मेरे ऊपर सिर्फ 2,000 रुपए है, मैंने एक बार आपको 2,000 रुपए दे दिए थे, आपने माइनस नहीं किए, आप 4,000 रुपए मुझ पर बता रहे थे। चलो अब तो कोई बात नहीं है, राहुल 2,000 रुपए दो, पिछला हिसाब खत्म करो और दोनों लोग हाथ मिलाकर गले मिल लो। मोदी जी अगर आपको भी कोई ग्राहक अगर पैसे दिया करे तो उसको माइनस कर दिया करो, आपके कॉपी में तो लिखा हुई है लेकिन आपने घटाए नहीं है। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।